सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिकी शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम गंगणपतये नमः श्री गुरवे नमो नमः। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम्बा भगवती माँ जगदम्बा के परम पावन आश्विन नवरात्र में उपस्थित श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं, सद्धर्म परायण अतिथि अभ्यागत संत समाज, विद्वत समाज, समाज के प्रतिष्ठित जन, आइए अनंत श्री शिव शक्ति पीठ एवं संस्कार शाला आश्रम धामपुर से मैं आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद भारद्वाज अभी तक चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में इस शारदीय नवरात्र के सप्तम दिवसीय माँ भगवती कालरात्रि की दिव्य कथा का वाचन यहां से करूंगा। और कहते हैं जो माँ काली की इस दिव्य कथा का श्रवण करता है माँ भगवती उसकी रक्षा करती है। किस चीज से रक्षा करती है? डाकनी शाकनी भूत पिशाच जो ये ऐसी भयानक शक्तियां हैं उन शक्तियों का संहार करती है। इसलिए सावधान चित्त होकर के आज माँ काली के स्वरूप का हम लोग वर्णन करेंगे, इस वर्णन को श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर स्तवन माँ भगवती का दिया है। एक बेड़ी जपा करण पुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टि कर्णिका करणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वाम पादो लसल्लोल लता कंटक भूषण वर्धन मूर्ध्वध्वजा करणा कालरात्र भयंकरी कालरात्र भयंकरी। कालरात्रि की विशेष पूजा कालरात्रि भयंकरी भयानक स्थितियों से आपकी रक्षा करने वाली माँ भगवती, माँ दुर्गा जी की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके तीन नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनके विद्युत के समान चमकीली किरणों निस्रित होती रहती है। इनसे इन नेत्रों के ब्रह्मांड के समान गोल नेत्रों से नित्य विद्युत के समान चमकीली किरणें निस्रित होती रहती हैं, फैलती रहती हैं, प्रकाशित होती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास प्रश्वास से
अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। ये वाहन, इनका जो वाहन है वह गर्धव है, गधा, गधे पर सवार होकर के चलती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती रहती है, वरदान देती रहती है। और दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा निचले वाले हाथ में खड्ग अर्थात कटार धारण की हुई है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली है। राक्षसों को भय देने वाली और साधु जनों को, संत जनों को अभय प्रदान करने वाली है। इसी कारण इनका एक नाम शुभ करी भी है। अतः इससे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों को आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, दुष्ट लोग इससे आतंकित होते हैं। जो दूसरे का प्रतिकार करने वाले हैं, जो दूसरे को हानि पहुंचाने वाले हैं और दूसरे का अमंगल करने वाले हैं, वो इससे भयभीत होंगे। संत जो दूसरे पर दया करने वाले हैं, जिसके मन में समाज के कल्याण की भावना है, ऐसी व्यक्तियों के ऊपर माँ कालरात्रि निरंतर प्रसन्न रहती हैं और वर प्रदान करती हैं, आशीर्वाद प्रदान करती हैं। दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्रार चक्र में स्थित रहता है। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माता काली के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उसके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों विघ्नों का नाश हो जाता है। उसे अक्षय पुण्य लोक की प्राप्ति होती है। ऐसा श्रेष्ठ लोक उसे प्राप्त हो जाता है। अक्षय पुण्य को देने वाला जहां जाकर फिर आपका पुण्य नष्ट नहीं होता है। न क्षय अक्षय, क्षय नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है, निरंतर आपका पुण्य वर्तमान रहता है, विद्यमान रहता है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि, इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। आपके ऊपर जो ग्रह बाधा है, नवग्रहों की बाधाएं हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। ये सभी ग्रह हमारे लिए शांति कर हों। कैसे होंगे? मां काली की उपासना करने से। इनके उपासक को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि व्याधि भय, सभी भय कभी भी भयभीत नहीं करते हैं। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। जय हो मां काली की। मां काली के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एकनिष्ठ भाव से उनकी उपासना करनी चाहिए। एकनिष्ठ भाव, बिल्कुल एक में निष्ठा रख करके, एक को भज करके उनकी उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काय की पवित्रता रखनी चाहिए। वह
शुभंकरी देवी, वह शुभंकरी देवी हैं, कल्याण करने वाली देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती है। उनकी उपासना करने से शुभ ही शुभ होने हैं, इनकी गणना नहीं हो सकती है। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजन करना चाहिए, निरंतर अहर्निश। इस प्रकार से माँ भगवती काली भक्तों का कल्याण करती है। जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ऐसी माँ काली के अनेकों नाम हैं, ऐसी माँ को नमोस्तुते। हे मैया, आपको हम प्रणाम करते हैं। तो इस हमारे नगर के बड़े ही प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से आपको यह कथा घर बैठे सुनने को मिल रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें, गीता का ज्ञान, अन्य अन्य शास्त्रों का ज्ञान इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होता है, आपके बच्चों को ये जानकारियाँ हो जाती हैं। तो हम माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और पुनः कल आपको नौ देवी के, दुर्गा के नौ रूपों की कथा में, कल अष्टम रूप की कथा को लेकर के मैं आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। मैं आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद भारद्वाज, आप सबके लिए जय जय।